नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कैल्सिक्रेट टैबलेट के बारे में बता रहे हैं। इसके अंदर कैल्शियम सिट्रेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, विटामिन D3, जिंक सल्फेट, मोनोहाइड्रेट दिया है। कैल्शियम सिट्रेट की तब जरूरत पड़ती है जब रक्त में कैल्शियम के स्तर में कमी आई हो। उस कमी को पूरा करने के लिए कैल्शियम सिट्रेट प्रयोग में लाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। इसकी अधिकता से अतिसार और इसकी कमी से न्यूरोमास्कुलर की समस्याएं हो सकती है। मैग्नीशियम हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम अन्य तत्वों के साथ सरलता से क्रिया कर यौगिक बना लेता है, जिस कारण यह प्रकृति में मौजूद है। विटामिन डी थ्री की जब जब जरूरत पड़ती है, तब जिन लोगों में टेंशन या फिर डिप्रेशन की समस्या, उदास रहने की समस्या या काम में मन नहीं लगता, मैं उन यानी ये समस्याएं आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि यह समस्या आपको ऐसा महसूस होगा कि उसे प्यार हो गया है, पर मैं ये प्यार वाली बात नहीं कर रहा हूँ, विटामिन D3 की कमी की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा विटामिन D3 की उन लोगों को जरूरत पड़ सकती है जिनको मांसपेशियों में दर्द या खिंचाव, जोड़ों में दर्द, हड्डी का दर्द हो, पीठ दर्द हो, इस प्रकार की समस्याएं हो, तो आपको विटामिन D3 की जरूरत पड़ सकती है। ज्यादातर विटामिन D3 की कमी धूप में ना निकलने की वजह से या धूप में कम रहने की वजह से विटामिन D3 की कमी आ जाती है। विटामिन D3 की कमी अगर महिलाओं में हो तो बाल झड़ने की भी समस्या हो सकती है। जिंक सल्फेट की कमी से बच्चों में दस्त की गंभीरता या फिर इसकी पुनरावृत्ति यानी उनको लूज मोशन की समस्या बनी रहती है। जिंक सल्फेट के द्वारा उस कमी को पूरा किया जा सकता है। इस टेबलेट के अंदर कैल्शियम सिट्रेट 1000 mg दिया हुआ है। 1000 mg इसमें कैल्शियम सिट्रेट दिया है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसमें 100 mg में दिया है और जिंक सल्फेट 4 mg में और विटामिन D3 200 IQ। इसकी मार्केट रेट जो है 120 रुपीज़, 15 गोलियों की, 15 टेबलेट की रेट 120 रुपये है। इस टैबलेट का प्रयोग यानी इसमें कैल्शियम सिट्रेट उन मरीजों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिनके रक्त में कैल्शियम के स्तर बढ़ा हुआ हो या फिर कैल्शियम के स्तर में अधिकता हो, तो उन मरीजों को या फिर बिना डॉक्टर की राय से आप इस टैबलेट को वे मरीज इस्तेमाल ना करें जिनके ब्लड में कैल्शियम का स्तर बढ़ा हो, या फिर प्रेग्नेंट औरत को भी इस टेबलेट खा को प्रयोग में नहीं करना चाहिए, और या फिर वे स्तनपान करा रही हैं तो वे महिलाएं भी इसको प्रयोग में ना लाएं। यह टेबलेट सिप्रोफ्लोक्सासिन और लिवोफ्लोक्सासिन, आयरन साल्ट, नॉरफ्लोक्सासिन, इस प्रकार के टेबलेट के साथ में परस्पर क्रिया कर सकता है। मैं दोबारा आपको रिपीट करूं सरल शब्दों में, जो कैल्सिक्रेट टेबलेट है, उस टेबलेट का प्रयोग रक्त में जो कैल्शियम के स्तर में कमी आई है, अगर अगर आपको यह समस्या है तभी आप इस टेबलेट का प्रयोग करें, अन्यथा नहीं करें। या फिर प्रेग्नेंट लेडी औरत हैं, इस टेबलेट को प्रयोग में ना लाएं क्योंकि इसमें कैल्शियम सिट्रेट 1000 mg दिया है। या फिर आप अन्य इससे जुड़ी सप्लीमेंट प्रयोग में ला रहे हो तब भी इस टेबलेट को प्रयोग में ना लाएं। धन्यवाद।